सीटेट का चाहे प्राइमरी हो या जूनियर, जो आज टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें थ्योरम्स भी है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी है, जिसके प्रश्न हमेशा परीक्षा में आए हैं और परीक्षा में आते भी हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है या उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको मैं डेली का डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से आपको एक प्रश्न निश्चित तौर पर मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो जब आप इन तक देखेंगे तो आपको तो कॉन्सेप्ट और सिद्धांत थ्योरम्स क्लियर होंगे ही होंगे, साथ साथ ऐसे वह प्रश्न भी आप करोगे जो प्रश्न एक्चुअली परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। मैं बात सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा की प्रिपरेशन की कर रहा हूं और समकोण त्रिभुज की कर रहा हूं। यह अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप को लेकर के और भी वीडियो बनाएंगे और निश्चित तौर पर कई सारे वीडियो बनेंगे, जिसमें ज्योमेट्री के बिहाव पर जितने भी अलग अलग फिगर्स बन सकते हैं, सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, हम पॉइंट्स लाइन एंगल्स के बारे में भी आपको बात बताएंगे, हम पॉलीगन्स जो भी बन सकते हैं, जो अलग अलग बहुभुज हमारे पास 3 भुजाओं से 4 भुजाओं से 5 भुजाओं से बन सकते हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। यह कुछ हमें सेपरेटेड लगा इसलिए मैंने आज इस पर चिक्र करना जरूरी समझा। हालांकि आप जानते हैं कि बात मैं समकोण त्रिभुज की कर रहा हूँ और समकोण त्रिभुज में ट्रायंगल को मैंने इन्वॉल्व किया ही किया है। तो जब जब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसको सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, एक 2D फिगर बोलूंगा। 2D फिगर के साथ साथ 2D मतलब ऐसा फिगर जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, नो थिकनेस, कोई भी ऊंचाई नहीं होती, जैसे कि आप फिगर को प्लाट कर सकते हैं एग्जैक्टली, इसको आप एक पॉलीगन भी बोलेंगे। पॉलीगन एक्चुअली हिंदी में बहुभुज बोला जाता है और सही पूछा जाए तो बहुभुज की शुरुआत जो होता है वो त्रिभुज से ही होता है। यह एक क्लोज फिगर होता है, अगर सोचा जाए तो इसको हम क्लोज फिगर भी कहते हैं। क्लोज फिगर का मतलब होता है बंद आकृति, हिंदी में अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो यह एक बंद आकृति है। तो बंद आकृति और ओपन फिगर का डिफरेंस जो होता है उसमें को आप समझना होगा कि कभी भी हम कोई भी एक पॉइंट भी कहीं प्लॉट करते हैं, रखते हैं, तो एक फिगर होता है। ऐसे मैंने कहीं रख दिया इट्स अ फिगर, हमने इसको इससे मिला दिया इट्स अ फिगर, हमने इसको इससे मिला दिया इट्स अ फिगर, बट जब तक हम क्लोज नहीं करते तब तक पॉलीगन नहीं बनता। और क्लोज करने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है और 3 भुजाओं से कभी भी कोई फिगर बनता है तो वह आपका ट्रायंगल से ही शुरू होता है। ट्रायंगल में भी एक स्पेसिफिक नेचर का ट्रायंगल होता है जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 3 भुजाएं दिख रही होंगी, सबसे पहले आप देख रहे हैं ए बी, बी सी और ए सी, 3 आपको कोण दिख रहे होंगे। एक कोण ऐसे बनाया गया जिसको आप 90 डिग्री अर्थात समकोण कहते हैं, इसी को आप समकोण या 90 डिग्री के बराबर कहते हैं, यही समकोण है। और कंफर्म है कि एक ही कोण केवल ओनली वन राइट एंगल होगा भी हो, ओनली वन 90 डिग्री, कभी कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का ही हो, एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकते हैं। बचे दो कोण जो होते हैं, अगर हम एक को कुछ भी सोचें, अगर हम सपोज करो इसे थीटा सोचते हैं, तो अगला कोण ऑटोमेटिकली 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, क्योंकि कभी किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होगा। आप इनके भी सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री के ही इक्वल होगा, उससे कम ज्यादा की कोई बात नहीं होती है। अब कुछ जैसे भुजाओं के बीच यहाँ पर संबंध समझना पड़ता है। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है दिस ऑलवेज हाइपोटेनस, इसी को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण महाभारत वाले कर्ण नहीं, कर्ण यहाँ पर हाइपोटेनस है, दैट इज द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 डिग्री के विपरीत भुजा होती है वही हमेशा कर्ण कहलाती है। इसके बाद दो अन्य भुजाएं होती है, एक को बेस कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। वो डिफाइन किया जाता है कि कौन बेस होता है और कौन लंब होता है। आप किसी को भी, क्योंकि देखने का नजरिया यहाँ पे ऐसा है जैसे मैंने फिगर प्लान किया है, तो इस समय ये बेस नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पे खड़े होते और तब फिगर को यहाँ से देखते तो आप किसको बेस बोलते, किसे परपेंडिकुलर बोलते। इसके लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसकी होती है, इस कोण की होती है। यह कोण जो थीटा आप जिसको डिफाइन कर रहे हैं उसके विपरीत हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब दिस साइड इज परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पे बना होता है दैट विल ऑलवेज बी बेस। अगर आप डिफाइन कर रहे हो इस कोण को या इस कोण की मदद से आप पूरे फिगर को एक्सप्लेन कर रहे हो जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात जैसे 90 है, अगर यह 60 है तो कन्फर्म यह 30 होगा, 90 से 60 घटा दीजिए 30 के बराबर होगा। अगर आप इस कोण को फोकस कर रहे हैं तो उसके विपरीत यह परपेंडिकुलर होता और इसके ऊपर बना जिसपे वह बना होता है खुद बेस होता है। पाइथागोरस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम थी हमारे यहाँ बोधायन, बोधायन बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, आज भी बोधायन का नाम जाना जाता है। उन्होंने इन तीनों साइड्स के बीच अपने एक रिलेशंस दिए, कुछ कॉन्सेप्ट दिया जो तीन साइड्स को एक्सप्लेन करता है। हालांकि इससे पहले त्रिभुज का एक्सप्लेनेशन आपको जानना चाहिए कि कभी भी कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें जो दो साइड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यह त्रिभुज एबीसी है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, तो त्रिभुज एबीसी में किसी भी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ऐसे सोचिएगा, मैंने ए बी प्लस बी सी, आप ऐसे देखिए, ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होगा, ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा होगा,
इसी प्रकार से BC plus AC AB से बड़ा होगा। किसी भी हालत में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी आप त्रिभुज बना ही सकते, नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे। हमें कोई भी तीन साइड दे दे और कह दे त्रिभुज बनाओ मिला मिला के, हम संभव नहीं बना पाएंगे। हम तभी बना पाएंगे जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा हो, और एक दो नहीं तीन की तीनों पेयर्स, सभी के सभी संभावनाएं जो पेयर्स की जोड़ों की बनेगी उसमें दो भुजाओं का जोड़ अगर तीसरे से बड़ा रहेगा तभी वह त्रिभुज आपका संभव है, अन्यथा है ही नहीं। इतनी बातें जानने के बाद इनकी भुजाओं का जो समकोण है उनका अपना एक अलग ही रिलेशन होता है। उस रिलेशन में जो पाइथागोरस जी थे उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, हालांकि मैं पाइथागोरस बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया ही जानती है, हम लोग फिलहाल यहाँ जानते हैं, बोधायन जी ने थ्योरम दिया था। बोधायन जी ने कहा था कि जो 90 डिग्री के विपरीत भुजा होती जिसको आप कर्ण कहते हैं, उस कर्ण का जो वर्ग होगा स्क्वायर होगा वह शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर अर्थात वर्गों के योग के बराबर होगा, अर्थात आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। अब कर्ण है क्या आप बताओ, एसी है, तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर, आधार क्या होगा बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसके बिहाव पर हम किन्हीं ऐसी तीन भुजाओं को समकोण की भुजा कहेंगे जो इस थ्योरम को फॉलो करती हैं, और जो जो भुजा इस थ्योरम को फॉलो करती हैं उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की श्रेणी में लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर हम ऐसे सोच लें कुछ त्रिभुज, कुछ ऐसे जैसे हम इसको अगर तीन कह दे इसको चार कह दे तो यह पांच होगा। अगर हम यहाँ पे समकोण बना रहे हैं तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे। आप चेक कर लीजिए, पांच का स्क्वायर करिए 25 होगा, वर्ग करिए तीन का वर्ग करिए 9 होगा, चार का वर्ग करिए 16 होगा, तो 16 और 9 जोड़ दीजिए 25 होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। ऐसे अगर हम दूसरा त्रिभुज बना लें, हमने कहा 6 है ये 8 है तो 10 होगा। 10 का स्क्वायर देखो 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 और 36 जोड़ दीजिए तो आपका 100 हो गया। इसी प्रकार से और भी फिगर आप ऐसे सोच सकते हैं, मैंने कहा है 12 है ये 5 है तो कन्फर्म है 13 होगा। तो ऐसे आपसे फिगर देकर या टर्म्स देकर नंबर्स देकर साइड्स देकर पूछा जाता है क्या पाइथागोरस की कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पाइथागोरियन कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए, जो साइड बड़ी है हमको कन्फर्म वही कर्ण है, उसका स्क्वायर क्या दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं है, अगर है तो दे कम्स अंडर द पाइथागोरियन कैटेगरी अदरवाइज नॉट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। एक चीज और जान लीजिए कि कभी भी कोई त्रिभुज बने अगर एक समकोण है 90 डिग्री है तो हम जिस पे 90 होता है उसको बेस कहते हैं और जो साइड अलाइंड होती है उसको हाइपोटेनियस एज कहते हैं, लंब कहते हैं, जो भी आप कह दीजिए। यहाँ पर हम इस त्रिभुज का एरिया डिफाइन कर सकते हैं हमेशा, एरिया मतलब द रीजन जो कि क्लोज्ड होता है बाउंडेड होता है वही एरिया कहलाता है, वह 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये दिमाग में रखिए, आपको आइडिया होगा कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज जहां पर हम हाइट और परपेंडिकुलर डिफाइन कर सकें उसका एरिया हमेशा 1/2 गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई होता है। हम त्रिभुज जब लेंगे प्रॉपर ज्योमेट्री में तो और भी चीजें हम आपको स्पष्ट करेंगे, आज मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है। अब आइए हम प्रश्नों की बात करें जो आपकी सीटेट की परीक्षा में आपको फेस करने को हो सकते हैं, जो पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट पाइथागोरस नियम जो त्रिभुज समकोण की स्थिति है उस पर डिपेंडेंट है, तो उसको लेकर के मैं पहला प्रश्न आपको दे रहा हूं। आप सभी लोग समझिए और प्लीज बताइए, 3 और 1/3 सीटेट का शब्द है, सीटेट की वर्डिंग्स और सीटेट का ही प्रश्न है, 3 और 1/3 और मतलब प्लस 1/3 मतलब 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताओ। समकोण मतलब 90 डिग्री, 3 और 1/3 मतलब बोले 3 × 9 = 10/3 मल्टीप्लाई करें 30 होगा, 30 को 10 से गुणा कर दे 300 डिग्री, कितना हो गया उत्तर 300 डिग्री जो पूछा जा सकता है। ऐसे वर्डिंग आपको क्लियर होने चाहिए, करने को प्रॉब्लम नहीं है, बात समझने की है, अगर कंफ्यूज है तो नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कंफ्यूजन से क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर बता के आएंगे। तो क्लियर हो गया सबको, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 और 1/2 तो वही फिर से कॉन्सेप्ट है, 3 + 1/2 करें और कह रहा है कि समकोण में डिग्रियों की संख्या, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब आप 3 और 1/2 मतलब 3 × 6 = 7/2 करिए, गुणे आप 90 करिए, 2 से डिवाइड करें 45, 45 को 7 से गुणा करें, 7 × 5 = 35 की 5 + 3 7 × 4 = 28 × 3 = 31 315 डिग्री। 315 डिग्री कहां पर है, डी ऑप्शन, राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, 315 डिग्री आप लगा सकते हैं करेक्ट आंसर के रूप में। आगे बढ़ता हूं, अब जैसे देखिए प्रश्न है,
लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हम जैसे ही साइड्स देखते हैं अंडर द राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमारे मन में आता है कि अरे यहाँ पे तो पाइथागोरस लगनी चाहिए, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हमें दिख ही नहीं रहा है। हमने देखा कि आधार अब संभव आप क्लियर करो, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, हमको ये थीटा दिया हो, ये 90 डिग्री है, ये बेस है, बेस मतलब ये आधार है, ये आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस है। नियम क्या, देखो अलग अलग चीजें लिखा है, आधार प्लस लंब बराबर कर्ण। आप मुझे बताओ, अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि त्रिभुज, अच्छा समकोण से पहले या त्रिभुज है, समकोण होने से पहले या त्रिभुज है, त्रिभुज में नियम होता है दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरे के बराबर नहीं, तीसरे से बड़ा होता है। यहां पर लिखा दो भुजाओं का जोड़ तीसरे के बराबर, तो कभी नहीं हो सकता। आधार प्लस लंब ग्रेटर देन कर्ण, अब यहाँ लोग डाउट में आएंगे, अरे कहते हैं बताओ आधार और लंब ग्रेटर देन कर्ण, कहा जाता है कि आधार प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर, उसी को देख के बहुत सारे लोग पहला टिक करके आएंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ऐसे पढ़ाया जाता है। बट हमको ये आधार लंब से ज्यादा हमें त्रिभुज की भुजाएं समझना चाहिए कि त्रिभुज की भुजाओं में कोई भी साइड, जैसे हमने कहा ये बेस है और ये लंब है, बेस मतलब हाई आधार है और लंब है, इन दोनों का जोड़ हमेशा कर्ण से बड़ा होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग बेस प्लस परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, इसका मतलब यही सही है, बी ऑप्शन, आधार प्लस लंब ग्रेटर देन कर्ण होगा। दूसरा देखिए, आधार प्लस लंब लेस देन कर्ण है तो बिल्कुल गलत है, दो भुजाओं का जोड़ कभी तीसरी भुजा से छोटा नहीं हो सकता है, बल्कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजाओं से छोटा होता है, तो उसके बिहाफ पे सेकंड ऑप्शन ही अपने को सपोर्ट कर रहा है, डी ऑप्शन भी आप मत लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से त्रिभुज के नियम से, समकोण का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, त्रिभुज के नियम से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन अपना सपोर्टिंग है, कौन हम किसको हम सही आंसर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम को एकदम फुलफिल कर रहा है उसकी सिचुएशंस को। निम्नलिखित में कौन सा कथन लंब के लिए सत्य है, सब जगह देखो स्टार्टिंग में लंब ही दिए हैं। अब आप देखो, जैसे आप जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, तो नियम क्या होता है, बोले कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम लोग को लंब के लिए रिफाइन करना है, तो मैं लिख सकता हूं लंब का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होना चाहिए, आधार का स्क्वायर होना चाहिए। इवन अगर आपको केवल लंब फाइंड करना है, देखो ये तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होना चाहिए, अगर केवल लंब आपको डिफाइन करना है तो अंडर रूट होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ऐसे होना चाहिए। अब आइए ऑप्शंस में, इसने लिखा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ऐसे भी गलत है, बल्कि नियम ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर प्लस आधार, बिल्कुल गलत है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। लंब बराबर हमने क्या डिफाइन किया है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, देखो इस स्टेटमेंट को हम दे रहे हैं यहां पर सी ऑप्शन में, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन, यही इस प्रश्न का हल होगा। तीसरा और अंतिम देख लीजिए, लिखा है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, तो अभी किसी भी हालत में नहीं है, तो आपको जो नॉलेज है जो आपने पढ़ा है उसको पहले डिफाइन कर लिया, अगर ऐसी स्थिति रहे आप उसी से मैच करा लो, जो आपको दिख रहा है जो आपके लायक है जो को आप समझ पा रहे हैं उसी को अपना उत्तर बना ले। सी ऑप्शन लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इज द ट्रू फॉर द लंब इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपके सामने सी ऑप्शन में दिखा है। क्लियर हो गई बातें, आगे देखिएगा, अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कहा है निम्नलिखित में कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है, समकोण की त्रिभुज की भुजा वही हो सकती है जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है जिसको आप कर्ण कहते हैं उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा अपने को, सबसे बड़ा इसमें कौन है, पांच। अब पांच के लिए तो अभी हम लोग पहले ही चेक करके आए हैं, तो पांच का स्क्वायर 25 होता है, हमारे पास दो साइड्स है 3.5 और कौन है तीन, तीन का वर्ग भैया 9 होता है, और 35 का वर्ग 25, 3.5 से भी आप मत सोचे, ऐसी संख्या सोचे जिसके अंत में 5 हो, ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो जैसे 25 है, तो इसका वर्ग क्या होगा पता है, अंतिम में 25 रहेगा और 2 के आगे 3 होता है तो 6 होगा,
जिसके देखो जैसे 35 का वर्ग करना है, अंतिम में 25 रहेगा, 3 के आगे 4 होता है, 3 चौके 12 होगा। 45 है, अंतिम में 25 रहेगा, 4 के आगे 5 अर्थात 20 होता है। इस प्रकार से जैसे हमने देखा कि 35 सोचो और अगर इसका वर्ग करना है तो अंतिम में 25 लिख दो, 3 के आगे 4, 3 चौके 12। और वर्ग जब कभी होता है तो अगर यहाँ दशमलव एक स्थान पर है तो यहाँ 2 स्थान पर होगा। जोड़ेंगे तो इंटीजर में तो वैसे भी नहीं आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो। दूसरा देखिएगा, 2.5 है और अब सबसे बड़ा कौन है पहले देखिए, सबसे बड़ा है 6.5। 6.5 का स्क्वायर करिए, जैसे अभी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भैया 25 तो अंतिम में होगा, 6×7=42 होगा, 42.5। दो साइड्स है, एक तो 2.5 है और एक 6 है, तो 6 का स्क्वायर वैसे भी 36 होता है और 2.5 मतलब 25, 6.25 होगा। जोड़िए 36×6=42, अगर इनको जोड़ते हैं तो 42.25 है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन आपके प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। वैसे भी देखो हम कभी जैसे ऐसे प्रश्न देखें तो जरूरी नहीं कि हम, अब जैसे मान लीजिए गलती प्रॉब्लम तो होती है अगर हम अंतिम तक पहुंचना पड़ता, हमें करना पड़ता, एक तो मैंने वैसे भी किया, कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, और आप कह रहे हो कि चलो और चेक करो, हो सकता बी ना मिलता, फिर सी ना मिलता, फिर डी मिलता, तो हमारे लिए इफर्ट तो हमने ज्यादा किया। तो ऐसे में हम एलिमिनेट करने की कोशिश किया करें, जैसे जब मेरे को पता है कि 5, 3 और 4 के साथ होता है तो क्यों हम इसको सोचें, क्यों करें, ना करें, छोड़ दो, ठीक है। अब जैसे यहां पर डेसिमल है, यहां भी डेसिमल है, ए इंटीजर है, अब आप सोचिए यहां पर आपको समझ सकते थे, क्यों, क्योंकि दो जो इनका वर्ग का जोड़ होगा, जिनके वर्ग का जोड़ है, एक डेसिमल है, एक विदाउट डेसिमल है, और एक आपका डेसिमल के साथ, इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो डेसिमल में आएगा, सोचा जा सकता था। 6 का वर्ग 36, इसका 6.25, इसका किया तो बैलेंस, चलो ये तो अभी दिमाग में रखो कि ये आ रहा है, लेकिन इलिमिनेट कौन हो सकता था, इन डिजिट से भी इलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ की बात करो, अगर इसका वर्ग करोगे अंतिम में 9 आएगा, अंतिम में इसका वर्ग करो अंतिम में 9 आएगा, इसका वर्ग 4 आएगा, 9×4=13 तो हो ही नहीं सकता, 9 आना चाहिए ना। और देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2.5, अंतिम में 5 आएगा, इसका वर्ग करेंगे अंतिम में 4 होगा, और इसका वर्ग करेंगे अंतिम में 5, 5×4=9 होगा, नहीं हो रहा है। अंतिम डिजिट देख करके भी डिफाइन किया जा सकता है, इंड डिजिट जो सबसे बड़ा है उसका वर्ग करके अंतिम डिजिट रख लो अपने पास होल्ड, बाकियों के अंतिम अंतिम डिजिट को लेके जोड़ दीजिए और देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने नोटिस किया कि बी ऑप्शन है, 2.5, 6.5 and 6 is under the Pythagorean triplet, otherwise not, बाकी सब नहीं है। चलिए इसको हटाइए, अब हो गया। अगले प्रश्न पर आए, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं लंब और आधार दी गई हैं, लंब और आधार, एक लंब है आपका और आधार है, तो लंब दिया है, अच्छा लंब दिया है 13 और आधार दिया है 84, कह रहा तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। भाई कर्ण की लंबाई अगर ज्ञात करने के लिए बोला है तो नियम तो वही है जो हम लोग पढ़े अभी, क्या 13 का स्क्वायर + 84 का स्क्वायर, वो भी इसका वर्गमूल अभी करेंगे, जब आ जाएगा तो इसका वर्गमूल किया जाएगा ना। तो अब देखो, एक तो भैया आपको स्क्वायर अगर आता है तो अच्छी बात है, जैसे हमें 13 का आता है, 169 होता है, हमको जो है 84 का नहीं आता है, बट हम कर सकते हैं, कभी किसी का वर्ग करना हो तो ऐसे कर दीजिए, बाकी मैं और तरीके भी सोच के बताता हूँ, चिंता मत कीजिएगा। 4×4=16, 8×4=32, 8×4=32, 32×32=64, 8×8=64, इसका 6 लीजिए, 64×1=65 हासिल, 6 लिखिए, 64×5=69 जोड़ लीजिए, इतना आएगा। 4×16, 8×32, 8×32=32, 64, 8×8=64, 6 लिखिए, 64×1=65 हासिल, 6 लिखिए, और 64×5, देखो हमने गलत किया ना, क्या गलत किया बताएं, फिर से देखिए 6, इसलिए मेरे दिमाग में सेकंड कैलकुलेशन किया हमने, 6 लिखा, 64×1=65 हासिल, 6 और 64×6=70 होगा ना, 70 होगा, 70×56, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 70×56। अब सुनिए, तो आइए इसको जोड़कर देखते हैं, जोड़ने पर देखो कितना होगा, 7056 में अगर 169 हम ऐड करते हैं तो 9×6=15 हुआ, 6×5=11, 1×12 हुआ, 1 हुआ 7 और 7 हुआ, तो कुल मिला के आपका जो है कितना हो जाएगा, 72×25 होगा, ठीक है, 72×25 होगा, आप जोड़ के देखिए। अब 72×25 अंत में 5 रख रहा है और एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल सोचना है, अंत में 5 है तो इसका मतलब किसी के अंत में 5 नहीं केवल 85 के हैं,
और वही अभी जो तरीका हमने बताया था, जो इंड में पांच के सेंस में बताया था, पांच है तो अंतिम में 25 आएगा, और आठ के बाद मैथ्स में क्या आता है 9, तो 8 × 9 करिए तो 72, तो 72 25 देखिए मैच कर रहा है। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न में क्या होगा बताएं, 82 होगा, जो वैसे भी सोचा जा सकता था। जैसे इसका वर्ग करते अंतिम में 9 आता, इसका वर्ग करते तो 4 आता। तो अब आप सोचिए ध्यान से यहाँ पर कैसे, जैसे हमको ये सोचना था यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग अंत में 9 और इसका वर्ग करते तो 6 आता, सॉरी 9 6 15 अंत में 5 आना चाहिए, किसके वर्ग में अंत में 5 आ रहा है, केवल 85। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, हम आराम से ऐसे ही उत्तर बता सकते थे और प्रश्न हल हो जाता, दिक्कत की इतनी बात नहीं होती। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप क्लियर कर पाए होंगे। एक प्रश्न मैं आज जाते जाते होमवर्क में ले जा रहा हूँ, कोशिश करिए और बताइए इसका हल। हालांकि प्रश्न बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मुझे समझाना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार अपना दिमाग आप लगाओ। मैं अगले वीडियो में यहीं से शुरू करूंगा, इस प्रश्न को समझाकर फिर मैं आपको स्पष्ट करूंगा। प्रश्न आपके सामने है और बढ़िया है, और मैं डिटेल अगर चाहूं तो इसको अच्छे से करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप करें। त्रिभुज का मैं जब ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट लूंगा तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ के बताता हूँ। समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल भुजाओं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के समान है। कर्ण और आधार के भाई दो कंडीशन दिए गए, उनके आधार पर आपको विकल्प सेट करना है। प्रश्न आपके पास है, आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो जरूरी इससे हम आपकी कनेक्टिविटी भी समझेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं और कितना अच्छा आप अनुभव कर रहे हैं, इस चीज को जरूर करें। तो डेली का डेली कॉन्फिडेंस आप अर्जित करें। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हमें जरूर बताएं कि आप किस तरह का अनुभव कर पा रहे हैं, सीटेट के लिए कैसे प्रिपरेशन आपकी चल रही है, ये जरूर स्पष्ट किया करिए। कम्युनिकेशंस बहुत मायने रखता है, और अगर यही बना रहेगा तो हम सब अच्छा करते रहेंगे हमेशा के लिए। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको जो है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ, ज्योमेट्रिक शेप्स को लेकर के और आगे की एक्टिविटी को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तो आप अपने सुझाव फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक दूसरे से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।